सर आज यहाँ मणियाओं ब्लॉक पर यहाँ पर मुख्यमंत्री पूर्व के रहे मुलायम सिंह यादव की याद में आज यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। उसके उनके श्रद्धांजलि समारोह रखने के बारे में कुछ और कुछ उनकी स्मृतियों के बारे में बताएं। हमारे बीच नेताजी नहीं रहे। मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मैं जब नेताजी से मिलने गया था तो बाबूजी ने ये कहा था कि बेटा गरीबों के लिए तुम सोचोगे ना, गरीब तुम्हारे साथ खड़ा रहे। हमेशा गरीबों की लड़ाई लड़ना। हमने कहा बाबूजी टिकट मुझे नहीं मिला, मैं प्रमुख ही का चुनाव लड़ रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। बाबूजी ने कहा कि जनता तुमको जिताएगी, टिकट का क्या है, तुम मेहनत करोगे, जनता के बीच में बने रहोगे, निश्चित रूप से जनता आपको कहीं ना कहीं वो स्थान देगी। आज बाबूजी नहीं रहे। मैं वेदांता में भी 3 दिन लगातार गया था, अखिलेश भैया से मिला। जिस दिन बाबूजी का देहांत हो गया नेताजी का, उस दिन हम लोग सैफ ही गए। मेरे पास शब्द नहीं है, इतने छोटी बहुत छोटी मुलाकात हुई थी लेकिन बाबूजी ने अनमोल बात कह दी थी, गरीबों के लिए तुम अगर जियोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आगे जाओगे आप। और आज उनकी बात मुझे हमेशा याद रहती है। जनता ने मुझे जिला पंचायत बनाया 9770 रोड से मैं जीता जिला पंचायत। जनता ने ही मुझे प्रमुख बनाया क्योंकि मुझे हमेशा बाबूजी की वो बात हमेशा दिमाग में रहता है कि जनता के दुख सुख में जाना, जनता के बीच में बने रहना, जनता निश्चित रूप से तुम्हें कामयाबी देगी। देश की जनता, यहाँ की जनता ऐसा क्या करे कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके? मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि बाबूजी ने जो हम लोगों को समाज में बैठने का जो स्थान दिया है, हमेशा इस बात को हमेशा याद रखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ना, किसानों की लड़ाई लड़ना, जो लोग शोषित होते थे जिसका कोई नहीं सुनता था वो नेताजी बाबूजी सुनते थे। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि उस प्रथा को अखिलेश भैया आगे लेके जाएंगे निश्चित रूप से, और बाबूजी को मैं पुनः एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको श्री चरणों में अपने स्थान दें, और सत सत नमन करता हूँ बाबूजी को।